हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पिंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा और उस वीडियो में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन, पूरी फुल जानकारी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से पिंटरेस्ट ऐप को यूज़ किया जाता है और उस पर किस तरह से अपनी आईडी बनाई जाती है और उसमें किस तरह से लॉगिन किया जाता है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से ये बेहतरीन एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, शुरू से एंड तक इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पिंटरेस्ट एप्लीकेशन के लिए हमें जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ से पिंटरेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पिंटरेस्ट लिख के जैसे सर्च किया तो यहाँ ये पिंटरेस्ट का ये एप्लीकेशन आ चुका है और इस ऐप में अभी तक 4.6 रेटिंग है इसका और 6 मिलियन लोगों ने इसमें रिव्यू कर चुके हैं और 17 MB का ये केवल एप्लीकेशन है और 100 मिलियन से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ तो ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ अभी आप देखेंगे। तो फ्रेंड, ये जो एप्लीकेशन है अभी डाउनलोड हो चुका है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होते से ही मैं इसको अभी आपके सामने लॉगिन करके दिखाऊंगा और शुरू से पूरा पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से। तो उसके बाद ये डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको ओपन करने वाले हैं। जैसे ही ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद दोस्तों, आप इसमें दो तरीके से इंटर कर सकते हैं। एक तो आपके पास कोई ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यानी आपके पास कोई जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर वो अकाउंट नहीं है तो आप अपने फेसबुक से भी इसमें इंटर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा एक जीमेल अकाउंट यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ और इसमें इंटर हो जाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना ईमेल अकाउंट यहाँ पर दर्ज करते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेना है और पासवर्ड बनाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर व्हाट्स योर नेम, यहाँ पर आपका नाम लिख लेना है। तो मैं मेरा नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगले स्टेप में आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि आपकी एज कितनी है, तो आपको एज लिख लेना है। और इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर सामने आएगा, वहाँ पर आपको जेंडर पूछा जाएगा, तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, स्त्री या पुरुष आपको दर्ज करना है। इसके बाद आर यू योर कंट्री इज़ इंडिया, तो आपको यहाँ पर आपके भारत से हैं तो आप इंडिया ही रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद वेलकम टू पिंटरेस्ट, आपको 5 ऐसी चीज़ों में क्लिक करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कम से कम 5 चीज़ें हो सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी चीज़ों पर आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। तो मेरा इंटरेस्ट नेचर में भी है, एनिमल्स में भी है, इसके बाद यहाँ ट्रैवलिंग में भी मुझे इंटरेस्ट है, ड्रॉ, फोटोग्राफी, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन, सेलिब्रिटी, एक्ट्रेस, इसके बाद इंस्पिरेशन, क्यूटोस, टेक्नोलॉजी। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ जिन जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है वो क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ आ रहा है ऑल डन, यानी कि दोस्तों ये हमने जो भी ये हमारा बन के तैयार हो चुका है हमारी प्रोफाइल। तो अब दोस्तों, यहाँ से आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे, यहाँ वैसे तो ये आपके होम पेज पे आ जाएगा, अगर ना आए मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप दुनिया की किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे वो आपको यहाँ दिखाई देगी। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ मोबाइल PNG करते हैं, तो मोबाइल PNG में इसमें यहाँ पर कुछ आता है क्या, मोबाइल PNG लिख के जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो यहाँ देखेंगे कि मोबाइल PNG की इमेज यहाँ पर आ चुकी है। और भी दोस्तों, यहाँ ऊपर कुछ कीवर्ड दे रखे हैं, उन कीवर्ड्स में भी उपयोग करके आप यहाँ पे कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ एप्पल क्लिक करता हूँ तो केवल एप्पल वाली यहाँ पे आ जाएंगी। तो और भी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ और सर्च करते हैं, जैसे एक्ट्रेस सर्च करते हैं, तो एक्ट्रेस सर्च किया तो मैं यहाँ देख सकते हैं
दुनिया भर की एक्ट्रेस यहाँ पे आ रही हैं, तो ऊपर जो कीवर्ड दे रखे हैं उनसे भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे इंडियन एक्ट्रेस या ब्यूटीफुल बॉलीवुड या साउथ इंडियन या पाकिस्तानी या हॉलीवुड या ब्यूटीफुल टीन या फ्रेंच। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए इंडियन लिख लेता हूँ, तो इंडियन पे इंडियन एक्ट्रेस पे जैसे सर्च करेंगे तो भारत की सारी एक्ट्रेस यहाँ पे आ चुकी हैं। आप जिनको भी सर्च करना चाहे, जिनकी इमेज देखना चाहे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं। जो भी सर्च करेंगे वो यहाँ पे आता जाएगा। बट लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आप किसी इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मान लीजिए आपको कोई इमेज चाहिए, कि हमको एक सिंपल सा इमेज चाहिए दोस्तों, कि जैसे कि हम यार एक्ट्रेस तो अभी इतना लाइक नहीं करते, मान लीजिए इसको हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें इसको डाउनलोड अगर करना है तो यहाँ देख सकते हैं सेव बटन पे, यहाँ सेव भी कर सकते हैं, बट तो सेव करने में भी आपको मिलेगा नहीं, आपकी बहुत सारी फ़ोन की मेमोरी रहती है। यहाँ तीन डॉट पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो इमेज जो है आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ उसको अलाउ दे देना है पहली बार अगर डाउनलोड करेंगे तो। यहाँ शेयर बटन पे आप शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी वेबसाइट पे। तो इसके बाद यहाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ सेव बटन पे जाके, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पेंस वर्ड हमारा यहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई एक वर्ड बना लेना है। वर्ड बनाने के बाद दोस्तों जैसा कि एक घर में वर्ड होता है या स्कूल में आपने देखा होगा एक वर्ड होता है जिस पे सब कुछ पिन कर दिया जाता है यानी चिपका दिया जाता है, जो भी मेमोरी स्कूल की होती है, इसी प्रकार हमको वर्ड बना लेना है और हमारे पास जितनी भी इमेज है हमें यहाँ पर उसको पिन कर देना है और उसका लिंक जो है हमें वहाँ दे देना है, या प्लस के आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिन और बोर्ड दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो एक बार पिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ जिन जिन इमेज को आप पिन करना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं, जितनी मेरी इमेजेज हैं यहाँ देख इसमें मोबाइल में, उनको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो वो सब पिन हो जाएंगी यानी उसमें चिपक जाएंगी उस बोर्ड में। और यहाँ बोर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले उस बोर्ड का नाम लिख लेना है, इसके बाद उस ये बोर्ड जो है वो किसके बारे में है उसका डिस्क्रिप्शन हमें लिख लेना है। तो फ्रेंड इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हमारी या नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपने जिन जिन लोगों को पिन कर रखा है या जिनको फॉलो कर रखा है, तो हमारे जो फॉलोअर हैं वो भी यहाँ पर शो होने लग जाएंगे कुछ देर के बाद, क्योंकि अभी तो हमने किसी ने हमको फॉलो नहीं किया है और ना ही हमने किसी को किया है, तो हमने जिनको फॉलो किया है वो भी यहाँ दिखाई देंगे और जो लोग हमें फॉलो करेंगे वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं और इसमें से कई सारे फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपने फ़ोटो भी पिन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से दुनिया का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फ़ोटो एचडी फ़ोटो या फुल एचडी फ़ोटो के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।